भिंड जिले की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए नंदनी सुसाइड मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बताते हैं कि नंदनी के परिजनों और करणी सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नंदनी की बेटी को आर्थिक सहायता दी जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर करणी सेना ने जिले को बंद करने की चेतावनी भी दी है। तो ये पूरा मामला भिंड का आपको बता रहे हैं जहां पर नंदनी सुसाइड मामला जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है और इंसाफ दिलाने के लिए करणी सेना पीड़ित थन में उतरी है और साथ ही साथ करणी सेना ने चेतावनी भी दी है कि अगर इस पर जल्द से जल्द सख्त सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो शहर बंद करने की चेतावनी भी दी गई है। तो भिंड का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां पर नंदनी सुसाइड मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में करणी सेना जो है वो अब पीड़ितों के समर्थन में उतरी है करणी सेना और पीड़ित के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जहां पर नंदनी की बेटी को भी आर्थिक सहायता देने की मांग की गई है। एक ये आईडी मिली है घर के अंदर, उसके व्याप पर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। अब ये सही है या गलत है वो मुझे नहीं पता, इसकी न्यायालय जांच करे इसकी पूरी। प्लस पैसों का मैटर था कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका था और कर्जे का डिप्रेशन उससे बहुत ज़्यादा था कि लोग उससे पैसे की मांग कर रहे थे जिनसे उसने लिया था पैसा, और ये पैसा उसने तौफीक खान को जिम के लिए दिया था। उसके घर के सामने में जो रहने वाला व्यक्ति है तौफीक, उसके उससे कुछ उधारी का पैसा आपस में दिया गया था जिम वगैरह के लिए। तो इसी पर से जब वो वापस नहीं कर रहा था तो इसी से मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर उसने आत्महत्या कर ली थी। तो इस पे अपराध पंजीबद्ध